सारे कतार हो रहे हैं, आका आंसू बहा रहे हैं, रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे। अल्लाह के रसूल सारे कतार हो रहे हैं, आका हो रहे हैं, सहाबा में आगे बढ़े, अबू बकर आगे बढ़ते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सर मुबारक को आप सजदे से उठा है, आप तीन दिन हो गए आका, आपके बगैर मदीना सूना सूना लगता है, आपके बगैर खाना अच्छा नहीं लगता, आपके बगैर पानी अच्छा नहीं लगता, आका हसनैन रो रहे हैं, फातिमा झूठ नहीं है, आका सर तो उठाई है, आका ने इशारा फरमाया ए अबू बकर पीछे हट जा, आज मेरी उम्मत गुनहगार उम्मत का हिसाब है, आज उनका मामला है, जब चलो इनकी बेटी खातून जन्नत की बारगाह में, सहाबा ने भेजा खबर खातून जन्नत को, आपके पापा का तो पता चल गया है लेकिन सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं, आप तशरीफ लाए, वो नबी की चहेती बेटी, वो खातून नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत इस्लामी मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर मोहम्मद फारूक साहिबला, नारे तकबीर इंशाअल्लाह। हज़रात अपने हाथों माथे की तिलावत से देख रहे हैं, खतीब अहले सुन्नत खतीब हाफिज अजीज हज़रत अल्लामा मौलाना उमर फारूक साहब क़िबला अमजदी मुंतज़िम हो रहे, अपने आलिमाना शान शौकत के साथ मिंबर रसूल पर तशरीफ ला चुके हैं, अनकरीब हजरत आपसे मुलाकात करेंगे, एक मरतबा जी लगा के फिर दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा प्यारे आई फातिमा तमाम सहाबियात की झुंझट में आई, फातिमा जब कार के अंदर गई, खातून जन्नत जब कार के अंदर गई, अर्ज करती है बाबा आप सर मुबारक को सर से उठाइए, आप सजदे से सर उठाइए, ए बाबा मदीना वापस लौट आइए, मदीना सूना सूना लग रहा है, हसनैन पूछते हैं, हसन पूछते हैं नाना कहाँ गए, हुसैन पूछते हैं नाना कहाँ गए, मैं जवाब क्या दूँ, आका आप मदीना तशरीफ ले चले, मेरे आका ने इशारा फरमाया फातिमा आज मेरे गुनहगार उम्मतियों का मामला है, आज मेरे गुनहगार उम्मतियों का मामला है, फातिमा आज मुझे अपने हाथ पे छोड़ दो। तब हजरत फातिमा ने कहा था ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए बाबा जान अगर आपके गुनहगार उम्मतियों का मामला है, अगर आपके सियाकार उम्मतियों का मामला है तो आज फातिमा बाबा कर रही है, ए मेरे बाबा जान आप ही ने कहा है कि मेरा बड़ा बेटा हसन है, इसे मेरे कौम के लोग इसे जहर देकर मारेंगे, इसे शहीद कर देंगे, ए बाबा आप सर को उठाए सजदे से, कल कयामत के दिन अगर आपकी गुनहगार उम्मत जहन्नम में जाएगी मैं अपने हसन का कुर्ता पेश कर दूंगी, खून से लगा कुर्ता पेश कर दूंगी और कहूंगी मौला के मेरे हसन का खून भी लगा हुआ कुर्ता है, इसलिए सदके में मेरे बाबा की गुनहगार उम्मत की मगफिरत करूंगी। दूसरा शहजादा है, दूसरा बेटा हसन हुसैन है, जिसके बारे में आप ही ने फरमाया था, जिसके बारे में आप ही ने कहा था ये मेरा हुसैन, इसी को मेरे उम्मती इस तरह शहीद करेंगे, तीन दिन तक भूखा प्यासा रखेंगे, इसके खानदान वाले को भी शहीद करेंगे, ए मेरे आका ए मेरे बाबा जान आप अपने सर को सजदे से उठाइए, अगर रब ना माना मैं हुसैन का कुर्ता पेश कर दूंगे, कयामत के दिन खून से लगा कुर्ता पेश कर दूंगे, और रब की बारगाह में अर्ज करूंगी मौला कि मेरा बेटा हुसैन की शहादत का बदला मैं कुछ तलब नहीं करती बल्कि मेरे बाबा जान के उम्मतियों की मदद। मेरे रब अल्लाह के रसूल ने फरमाया
मेरा रब बहुत बड़ा करीम है, अगर इससे भी ना मानो तो क्या करोगी। हजरत फातिमा का अब जवाब सुनो प्यारे, मेरी माँ बहने बिलखुसूस इस जवाब को सुने, तीसरी बात वो सुने। हजरत फातिमा ने जन्नत ने कहा, ए मेरे बाबा जान, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इससे भी आपके गुनहगार को पुत्र ना बख्शा तो ऐ तेरे बाबा जान याद रखिए फातिमा के सर को आज तक किसी ने नहीं देखा, फातिमा ने अपना दुपट्टा कभी ना हटाया। ऐ मेरे बाबा जान आज दुपट्टा हटा रही है और उस वक्त तक सर पे दुपट्टा नहीं रखेगी जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी गुनहगार उम्मतों को बख्श ना दे। इतना कहना था रब ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जल्दी जाओ और मेरे महबूब से